Good morning, students. Welcome to online classes. In previous video, में हम लोग पढ़ा था कि component of food में आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइट्स और विटामिन के बारे में बता चुके थे मैं। और उसमें हम लोग पढ़े थे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्यों आवश्यक है, विटामिन क्यों आवश्यक है, प्रोटीन क्यों आवश्यक है, फाइट क्यों आवश्यक है, सोर्सेस ऑफ फाइट्स क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे वहीं से आगे मिनरल्स कि हमारे हमारे भोजन में मिनरल्स का इंपॉर्टेंट क्या है। लेट्स स्टार्ट। मिनरल्स कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट, दे मेक आवर बॉन्ड्स एंड मसल्स स्ट्रांग एंड मेंटेन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मिनरल्स हमारे शरीर को फिट रखता है और फिट रखने के साथ साथ हमारे जो मसल्स होते हैं और जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं उसको मजबूत करते हैं, स्ट्रांग करते हैं। और कैल्शियम, आपको पता होगा कि कैल्शियम हमारे मसल में, हमारे बॉन्ड्स के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कैल्शियम से हमारा बॉन्ड्स जो है मजबूत होता है, कैल्शियम और आयरन से। तो आयरन जो है सो हमारे ब्लड के लिए बहुत आवश्यकता है। आयरन की कमी से हमारे शरीर को जो है एनीमिया नामक रोग हो जाता है। तो हम लोग को पता चला कि मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज इट कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। तो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ मिनरल्स? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, साल्ट इत्यादि। अगर हम अपने भोजन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको ले, फ्रूट्स को ले, मिल्क ले, एग्स ले, साल्ट ले, तो इनसे आपको मिनरल्स प्राप्त होगा। अलोंग दिस फाइव मिनरल्स, रेगिस एंड वाटर आर आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। रेगिस एंड वाटर, व्हाट इज रेगिस? रेगिस आर द फाइबर्स प्रेजेंट इन आवर फूड। रेगिस क्या होता है? तो हमारे भोजन में जो फाइबर्स होते हैं, रेसे जो होते हैं, वो रेगिस के नाम से जाने जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये क्या हेल्प करते हैं? तो दे हेल्प अस गेट राइट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारे भोजन में जो चीजें नहीं पचती हैं या नहीं पच पाती हैं, तो उनको पचने में, उनको डाइजेस्ट करने में ये रेगिस आपको हेल्प करेंगे। तो रेगिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। दे हेल्प अस गेट राइट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। यहाँ पे देखेंगे कि अनडाइजेस्टेड फूड, अगर अनडाइजेस्टेड फूड है उसको डाइजेस्ट करने में ये हेल्प करता है। तो व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ रेगिस? तो उसका सोर्स क्या है? ग्रीन ग्रेन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। अगर इसको आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको रेगिस की मात्रा प्राप्त होगी और उससे आपके जो अस्टोमिस का वर्क है, डाइजेशन का जो वर्क है, वो आसानी से हो पाएगा। वाटर इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ आवर बॉडी। नो डाउट वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी बिकॉज अबाउट 2/3 ऑफ आवर बॉडी वेट इज वाटर। लगभग 2/3 भाग जो हमारे शरीर का भार है, हमारे शरीर का वेट है, वो किसके से बना हुआ है? वाटर से बना हुआ है। तो वाटर, व्हाट इज वाटर, क्या हेल्प करता है हमारे शरीर को? तो वाटर हेल्प इन रिमूविंग वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। वाटर जो है सो हमारे शरीर से वेस्ट जो होते हैं, हमारे शरीर के डाइजेस्टेड होने के बाद जो वेस्ट हमारे शरीर में बचते हैं, उनको रिमूव करने में, शरीर से बाहर निकालने में ये हेल्प करते हैं। और ये हेल्प करेंगे इस, तो ये किस रूप में निकलते हैं? तो आपको स्वेट के रूप में निकलते हैं, पसीने के रूप में निकलते हैं और यूरिन के रूप में निकलते हैं। वाटर इज ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। वाटर जो है सो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। और इट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर इज ऑल्सो हेल्प टू मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉडी।
हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है, हमारे शरीर की जो तापमान है उसको अगर मेंटेन करने का काम करता है तो वो वाटर करता है. सो दस वी शुड ड्रिंक अबाउट सिक्स टू एट ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे. तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम 6 से 8 ग्लास हम लोग को रोजाना पानी पीना चाहिए. इससे हमारा शरीर हेल्दी रहेगा, हमारा डाइजेशन सिस्टम ठीक रहेगा, हमारे शरीर का वेट मेंटेन रहेगा और हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा. तो हम लोगों ने जाना कि कौन सा मिनरल्स या कौन सा भोजन के कंपोनेंट का क्या काम है और वो हमें कहाँ से प्राप्त होगा, उसके सोर्सेस क्या है, उसको हम लोगों ने अच्छे से अब जाना. अगले वीडियो में मैं मिलूंगा और उसके बाद बात करेंगे हम लोग बैलेंस डाइट के बारे में और वो उस इस चैप्टर का फाइनल वीडियो होगा. तो इसी आशा विश्वास के साथ कि आप अपने अपने घरों में ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए.